आज हमने बनाई थी रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर दाल बुखारा। क्या बढ़िया बनी है दाल। आप कहोगे तो दाल मखनी है, पर दाल मखनी नहीं है, ये दाल बुखारा है। बिल्कुल अलग तरीके से बनती है और स्वाद का बिल्कुल दाल मखनी से बहुत डिफरेंट है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, बनाते हैं दाल बुखारा एक छोटे से इंट्रो के। नमस्कार। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर दाल बना रहे हैं। ये जो दाल बना रहा हूँ ये उसी रेस्टोरेंट के नाम से है, उस दाल का नाम है दाल बुखारा। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से वो बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। उस दाल को बनाने में कम से कम 7 से 8 घंटे जाते हैं कि वो उसको बनाते हैं। तंदूर जो होता है उसके ऊपर पकाते हैं और उसमें जो हल्की हल्की सेक लगता है उस सेक में ये पकती है। तो हम तो घर पे बनाएंगे और मैं इसको बना रहा हूँ कुकर में, तो भी इसके अंदर सही से पकाते वक्त हमें 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर लगेगा, पर जो उसमें स्वाद आता है उस दाल का तो कह ही नहीं सकते आप, उससे सिर्फ वाह 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 ही बोलोगे। तो आइए बनाते हैं दाल बुखारा एक छोटे से इंट्रो के बाद। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मैं आने वाली इसी तरह की नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल गया। तो सबसे बनाते हैं दाल बुखारा एक छोटे से इंट्रो के बाद। दाल बुखारा बनाने के लिए हमें चाहिए साबुत उड़द, जिसे आप माँ की दाल भी बोलते हैं। ये मैंने एक कटोरी ली है। पहले इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। मसल मसल के अच्छी तरह से वॉश करते हैं, जो भी इसमें मैल वगैरह है या पाउडर चढ़ा होता है वो उतर जाए। तो मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ उनको एक दो बार। लीजिए, हमने दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया फ्रेश पानी के अंदर। इसको सोक करना रखते हैं कम से कम 5 से 6 घंटे, या आप ओवरनाइट भी इसको सोक कर सकते हो। तो मिलते हैं जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगी, फिर इसकी आगे की तैयारी करेंगे। चेक करते हैं अपनी दाल को। दाल को रखे कम से कम 6 घंटे मैंने सोक करा है, ये अच्छी तरह से फूल चुकी है आप देख सकते हो। अब इसको हमें मसल मसल के अच्छी तरह से साफ़ करना है, जो भी और उस पर मैल सी है एक कलर टाइप का, जैसे आप देख रहे हो उसका पानी कितना मैला सा हो गया है, तो वो निकल जाए। और उसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे कि इस दाल के अंदर अगर नहीं दाल को पकाते इसी पानी में तो वो गलत है बिल्कुल, कि उसकी दाल के अंदर एक होता है फैट्रिक एसिड होता है, उससे हम जब पकाएंगे इसको और उससे हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट बहुत देर से होएगी, फिर हमें गैस वगैरह एसिडिटी वगैरह होती है। इसलिए हम दाल या चावल जो भी आते हैं जब सोख करते हैं तो वो पानी हम फेंक देते हैं, फ्रेश पानी डालते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लिया है। अब मैं ये सारा पानी फेंकता हूँ, एक बार इसको अच्छी तरह से फ्रेश पानी से धो लूँगा, फिर इसको हम प्रेशर करते हैं। दाल मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, ये देखिए, और पानी सारा निकाल दिया था उसका। चलते हैं गैस की साइड। गैस पर रखा है मैंने कुकर और ये दाल डाल देते हैं इसके अंदर। और डालते हैं इसके अंदर पानी। पानी लगभग मैंने 4 कटोरी पानी लिया है, जिस कटोरी से दाल ली थी उसी कटोरी से मैंने इस पर पानी डाला है। इस दाल की खासियत यह है इसमें ज़्यादा कुछ सामान डलता नहीं है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे नहीं भी डालोगे तो भी है। मैंने सिर्फ 2 तेज़पत्ते डाले हैं, मैं ना इसमें कोई लौंग ना दालचीनी ना मोटी इलायची ना छोटी इलायची डाली है, सिर्फ स्वाद अनुसार नमक डाला भी मैंने। और गैस को करते हैं ऑन, ढक्कन लगाते हैं और कम से कम इस पर हम लगाएंगे 7 से 8 सीटी, जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती। तो डालने के लिए मैंने अदरक लिया, आप चाहो उसमें लहसुन भी डाल सकते हो। सो यही 2 चीज़ डलती है, तो मैं लहसुन इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है, उनके लिए मुझे अलग से निकाल के फिर तैयार करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा। आपने डालना है तो जब आप बनाओ तो उसमें लहसुन की कुछ कलियाँ डाल देना कद्दूकस करके, जैसे मैं डालूँगा। जब तक हमारी अभी इस पर 5 सीटी लग चुकी है, 3-4 सीटी और लग जाए हमारी दाल को, तो मैं ये चीज़ें तैयार करके रख रहा हूँ। मैं कद्दूकस कर लिया ये।
आठ सीटी लग चुकी है तो गैस ऑफ कर देते हैं हम, उसी को वो प्रेशर में रहने देंगे। जब उसका प्रेशर निकल जाएगा फिर हम चेक करेंगे हमारी दाल कैसी है, उसके फिर आगे का हम बताते हैं कैसे करना है। चेक करते हैं, प्रेशर निकल चुका है हमारे दाल का और देखते हैं दाल कैसी है। दाल अच्छे से गल चुकी है, अब इसमें पानी थोड़ा कम है आप देख सकते हो, तो और अभी इसके अंदर वो जो क्रीमी टेक्सचर नहीं आया है, तो सबसे पहले तो हमने जो अदरक डाली थी यानी अदरक काटी थी ग्रेट करी थी वो डाल देते हैं, यानी कि इससे मैं आप इसमें लहसुन वगैरह भी डाल सकते हो। गैस को हम ऑन करते हैं और डालते हैं इसमें एक से डेढ़ चम्मच के करीब मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं हींग का पानी, ऐड करते हैं इसमें गर्म पानी, कम से कम मैं दो कप के आसपास डाला है, आप अपने हिसाब से उसकी देख सकते हो कितना आपको चाहिए उसके हिसाब से। और डालते इसमें मक्खन और एक खास चीज़ यानी कि एक कप मैं ले रहा हूँ टमाटर प्यूरी, ये मार्केट वाली है, आप चाहो तो फ्रेश वाली डाल लो पर मार्केट वाले से रंग अच्छा और आता है तो मैंने मार्केट वाली डाली है एक कप। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, आज मैंने कर दिए मीडियम और इस पर रखते हैं ढक्कन, लीड नहीं लगानी सिर्फ ऐसे रखना है और मीडियम आंच पे कम इसको आधा घंटे तक हम पकाएंगे, जब तक ये एकदम दाल का टेक्सचर इसका क्रीमी नहीं हो जाता, फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या करना है। चेक करते हैं, आधा घंटा हो गया है, बहुत बढ़िया हमारी दाल तैयार है, पूरा दाल ने अपना स्टार्च छोड़ चुका ही है और दाल का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया था, मलाई डाल हो चुका है। तो उसमें लास्ट में हम ऐड करते हैं आधा क्रम कप फ्रेश क्रीम, क्रीम दाल का भी हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। क्रीम दाल के भी हमने पका लिया इसको 5 मिनट तक। लास्ट में ऐड करते हैं इसके अंदर गरम मसाला और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है किचन किंग मसाला। लीजिए हमारी दाल बुखारा रेडी है, आप कहोगे तो बिल्कुल दाल मखनी की तरह है पर दाल मखनी के अंदर चने की दाल और राजमा डलता है, तो ये सिर्फ उड़द की दाल से ही बनती है साबुत जिसे माँ बोलते हैं, और उसका टेक्सचर खाने का स्वाद बिल्कुल अलग है और क्योंकि उसके अंदर प्याज और लहसुन वगैरह का तड़का लगाते हैं लोग, इसमें बगैर कोई तड़का नहीं लगता और इसी तरह से ये बनती है, तो एक बार इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गैस ऑफ कर देते हैं, इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे पराठे के साथ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मैंने सर्व कर लिया अपने लिए दाल बुखारा, साथ में तंदूर के पराठे बनाए हैं, प्याज रखा है, मिर्च का अचार है, तो मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी ये दाल। दाल मखनी का बिल्कुल अलग टेस्ट है, इसका बिल्कुल अलग टेस्ट है, तो एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी ये दाल जो मैंने बनाई है दाल बुखारा आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।